सोलन की नोनी यूनिवर्सिटी में कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के नाम से 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार 28 जून को शुरू किया गया। पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा किसानों को प्राकृतिक रूप से खेती की नई तकनीकों से अवगत करवाया जाएगा। इस शिविर में 10 जिलों से 1250 किसान भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने बताया कि वे पहले भी इस 6 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो सुभाष पालेकर की उपस्थिति का पूर्ण लाभ उठाएं। 6 दिन का ये शिविर 3 जुलाई तक चलेगा। हम सभी के माध्यम में उपस्थित परम सिद्धे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी, प्रधान सचिव कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश श्री ओंकार शर्मा जी, कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र वर्मा जी, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी, एसटीएम कंडाघाट संजीव दिमहान जी, नोनी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के सभी संवैधानिक अधिकारी व विभाग अध्यक्ष, कृषि विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी, प्रेस के मेरे मित्रों तथा इस सभागार में उपस्थित किसान भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम अपने ओर से व हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से परम श्रद्धे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का दिल के गहराइयों से उनका यहां पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हम सभी को अभी डॉक्टर पालेकर जी का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला और मैं जानता हूं जब आदरणीय सुभाष पालेकर जी ने अपना मार्गदर्शन हमें दिया है, उसके बाद बोलना, बहुत ज्यादा बोलना उचित मुझे लगता नहीं है। उसके बावजूद भी मुझे आप सभी का स्वागत करना है। 9 जिलों के किसान, लगभग 982 किसान यहां पर आए हैं और मैं समझता हूं जब आप अपने घरों से निकले होंगे, हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने आपसे संपर्क भी किया होगा और आप सभी को बताया भी होगा कि आप किस काम के लिए यहां पर आए हो। आदरणीय पालेकर जी ने लास्ट भाषण में अंतिम शब्दों में अपने कहा था कि यहां पर आप आए हैं, आपको इस प्रदेश को बदलना है। आज हम आज यहां पर पहुंचे हैं, ये हमारा 4th शिविर है। लगभग 3317 किसान आपके, आप सभी को मिलाकर हम इतने किसानों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। ये आपका जो शिविर जो है ये शिविर 10 जून तक चलेगा। मैं आदरणीय सुभाष पालेकर जी से क्षमा चाहूंगा, मैंने पालमपुर में इनको वायदा किया था कि जब नोनी यूनिवर्सिटी में जब आपका शिविर होगा, और मैं स्वयं चाहता हूं कि यहां पर शिविर में किसानों के साथ ही काम के लिए, छोटे काम के लिए नहीं आए हो, आपके सामने मंजिल बहुत बड़ा है, ये शुरुआत है आपकी। आदरणीय पालेकर जी यहां पर आए हैं, पालेकर जी के पास इतना समय नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
आदरणीय ठाकुर जयराम जी के निवेदन पर यहां पर आए। जैसे कि मेरे प्रधान सचिव डॉक्टर ओंकार शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि 2022 तक हमारा लक्ष्य है, हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष के अंदर पहला राज्य बनने जा रहा है। 2022 तक सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कुशाल किसान के नाम से हम नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती करके जो है हिमाचल प्रदेश में का नाम, हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है एक मिसाल पैदा करना चाहते हैं। हमको यहां पर जैविक खेती या रासायनिक खेती को, जैसे पालेकर जी ने कहा, सिक्किम राज्य ने कहा है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे अधिकारी सिक्किम के वहां पर जैविक खेती होता है। हम जो खेती करने जा रहे हैं ना ये जैविक खेती करने जा रहे हैं ना रासायनिक खेती, हम जो है प्राकृतिक खेती, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपको यहां बुलाया। आपका काम बढ़ता है, ऐसे मेरा सबसे निवेदन है, यहां पर आए हैं इन 6 दिनों के शिविर में कोई शंका आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए। मैंने आदरणीय पालेकर जी के कक्षा में 6 दिन रहा हूं, 5 दिन रहा हूं, हमारे मेरे आपके प्रथम पंक्ति में समाज के वो लोग बैठे हैं, बागवानी विभाग के साइंटिस्ट बैठे हैं, एग्रीकल्चर विभाग के साइंटिस्ट बैठे हैं, कुफरी के अंदर हर व्यक्ति, हर साइंटिस्ट का जवाब मिला है, हर साइंटिस्ट जो है मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने वहां देखा है क्या तेने पालेकर जी के सामने बहुत से वहां साइंटिस्ट भी आए थे, अपनी शंकाएं जाहिर किया, परंतु हर साइंटिस्ट को जवाब मिला है वहां पर। मेरा निवेदन रहेगा, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, आप 6 दिनों के यहां पर आए हैं। डॉक्टर राजेश चंदेल जी कह रहे थे, मैं सुन भी रहा था, चंदेल जी कह रहे थे कि कहीं रजाई की बात की गई, कहीं किसी चीज की बात की गई, आप प्रदेश को बदलने आए। अगर छोटी मोटी बातें आपके सामने आता है उसको भूल चुक समझ कर माफ सोच खत्म बंद कर दीजिए। वहां पर हमारी सेनाएं कहां पर काम कर रही है, पालेकर जी कहां पर आके काम कर रहे हैं, पालेकर जी यहां पर आए हैं हिमाचल सरकार के तरफ से, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये समाज सेवा करते हैं, ना ही इनको हम कुछ किराया देते हैं ना खा, ये सब कुछ अपने खर्चे से यहां पर आते हैं, सिर्फ देश को बदलने की बात कर रहे हैं। इस पर शुगर के पेशेंट से नहीं मरना चाहता है, कोई बीपी से नहीं मरना चाहता है, आज हम जो कुछ खा रहे हैं हमें समाज को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है। तभी हमने कहा है ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, ये कार्यक्रम है, आपकी कोई शंका हो, कोई आपके दिमाग की बात आता है, यहीं पर आप उसको सब शंकाओं को दूर करके जाए, क्योंकि आप क्या है हमारे मास्टर ट्रेनर बन के जा रहे हैं। आपको हर परिवार के, हर गांव के, हर व्यक्ति को शिक्षित करना है। अभी हम सिर्फ मात्र 3317 किसानों को जो शिक्षित प्रशिक्षण देंगे 3 तक 5-10 तारीख तक, परंतु हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने लोग हैं, 18 लाख परिवार है, 9,61,000 हमारे किसान हैं। आप सभी को वहां तक पहुंचना है। कहते हैं ना कि बदलाव जो है धरातल से, कभी रेवोल्यूशन क्रांति जब भी आया है वो धरातल से शुरू हुआ, तो शुरुआत जो है गांव से शुरू है। जो भी शिविर आज तक चेंजिंग हिमाचल प्रदेश के इंडिया के अंदर आई है, जो भी आज के बड़े बड़े क्रांतियां वो गांव से शुरू हुआ है, शहरों तक पहुंचा है। इस मिशन मूड में हम काम करें, आज से आप समझ के जाए कि हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर जेल मुक्त प्रदेश देना है, हर हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को बचाना है।
कुफरी में हमारे बीच में एक डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए थे, वहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय थे, आदरणीय सुभाष पालेकर जी, हम सभी बैठे हुए थे। डॉक्टर जोपटा वहाँ पर मंच पे आए, उन्होंने जो बात कही मैं हर जगह इसका वर्णन करता हूँ, जिस स्कूल में जाता हूँ। सोलन से मनोज ठाकुर की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।